सभी को मेरी नमस्ते एंड ऑन योर स्क्रीन रेनो काइगर। रेनो इंडिया केवल तीन ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, रेनो क्विड, सेकंड इज ट्राइबर एंड थर्ड वन इज काइगर। काइगर एक एसयूवी रहने वाली है, फाइव सीटर एक कार, आपको बहुत कुछ ऑफर कर रही है और क्या क्या ऑफर कर रही है आज की वीडियो उसी के बारे में है। ड्राइवर्स के तौर पर आप निसान मैग्नाइट के साथ, ब्रेजा के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं और बाई ट्रू मीन्स इसका जो राइवल है वो निसान मैग्नाइट ही देखने वाला है क्योंकि दोनों की प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम है। 6.5 से ये स्टार्ट हो जाती है एंड 11.23 तक इसका प्राइस रेंज जाने वाला है। RXC इसका बेस वेरिएंट रहने वाला है, RXZ ड्यूल टोन CVT ट्रांसमिशन के साथ इसका टॉप एंड वेरिएंट रहेगा। इसके अंदर अभी दो इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे। अब दो इंजन ऑप्शन सुनते के साथ आप ये मत सोचना कि इसके अंदर अभी डीजल मिल रहा है, दोनों इंजन ऑप्शन जो है आपको पेट्रोल के अंदर देखने को मिलेंगे। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल रहा है और उसका जो है 1 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो आपको 98 BHP की पावर दे देगा, 156 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा एंड जो नॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो आपको 70 PS की पावर दे देगा, 96 न्यूटन मीटर का वो टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। सबसे पहले इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स और लुक की बात कर लेते हैं एंड लास्ट में आपको इसकी कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। थोड़ा सा कॉपी टाइप डिज़ाइन लगेगा आपको एंड जब आप टॉप एंड वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर फ्रंट में आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी और इससे नीचे वाले वेरिएंट में आपको हेलोजन के अंदर हेडलाइट यूनिट देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको DRL कम इंडिकेटर नज़र आ जाएंगे। सेंटर में आपको रेनो का बड़ा सा लोगो नज़र आ जाएगा। फ्रंट ग्रिल जो है इस पर आपको क्रोम टच देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर ड्यूल टोन में फ्रंट का बम्पर दिखेगा। नीचे की तरफ जो पार्ट है नॉन पेंटेड है और ये ब्लैक सरफेस नज़र आएगा। साइड में ये व्हील आर्क जो है आपको लास्ट तक कनेक्टिंग दिखेगी यहाँ पर नीचे की तरफ, जो स्किड प्लेट का भी काम करेगी एंड टायर प्रोफाइल मिलेगा 195/60R16 का। जब आप RXC लेंगे तो वहाँ पर आपको स्टील रिम के साथ सेम टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगा। इन 16 इंच के टायर की वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस बन जा रहा है 205 mm का, तो ये आपको इंडियन रोड पर इसकी राइड को काफ़ी स्मूथ बना देगा एंड छोटे मोटे पोर्ट होल्स में इजीली ग्लाइड करते हुए चाहिए। RXZ वेरिएंट की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी फेंडर पर, रूफ एंड ये ORVM ये वाला पार्ट जो है ड्यूल टोन में आपको ग्लोसी ब्लैक टच के साथ दिखेगा। साइड बाय साइड आपको यहाँ पर डोर हैंडल को भी ग्लोसी ब्लैक टच दिया है। ड्यूल टोन वेरिएंट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ आपको फंक्शनल को रूफ रेल्स नज़र आएंगी। 50 kg तक का ये लोड इजीली बियर कर सकती हैं। शार्क फिन एंटीना नज़र आ जाएगा एंड RXT और इससे नीचे के वेरिएंट में आपको रूफ रेल नज़र आ जाएंगी, बट वो एक तरीके से आप बोल सकते हो डमी नज़र आएंगी। फ्यूल टैंक ओपनिंग आपको राइट हैंड साइड नज़र आ जाएगी। 40 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर देखने को मिलता है। यदि आप ब्रेजा से कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर 45 लीटर का फ्यूल टैंक नज़र आ जाएगा। एंड थोड़ा फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा, मुझे पर्सनली ये वाला पार्ट थोड़ा समझ नहीं आया। व्हील लाइनिंग होती तो यहाँ पर क्या है कि गाड़ी के अंदर नॉइस वगैरह कम जाती, जिसकी वजह से कैबिन नॉइस कुछ हद तक रिड्यूस हो सकता था, तो ये वाला थोड़ा सा पर ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है प्रोडक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव है तो ये सब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको लेना पड़ेगा। पीछे की तरफ ये है इसकी LED के अंदर टेल लाइट, सभी वेरिएंट में ऑलमोस्ट आपको ये स्टैंडर्ड LED के अंदर दिखेगी। आपको इंडिकेटर एंड रिवर्स लैंप हेलोजन के अंदर दिख जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको रेनो के लोगों के अंदर नज़र आएगा। यहाँ पर मिल जा रहे हैं 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर। बम्पर पर आपको नीचे की तरफ सिल्वर स्किड प्लेट नज़र आ जाएगी एंड इसके अंदर मिलता है 405 लीटर का बूट स्पेस और बूट स्पेस काफ़ी आपको स्पेशियस और प्रैक्टिकल नज़र आएगा। 3 ट्रॉली बैग तो आप आराम से रख सकते हैं, फुल साइज ट्रॉली बैग हैं ये एंड तीनों यहाँ पर कम्फर्टेबली आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो सेकंड रो है वो 60-40 रेशियो में स्प्लिट नज़र आएगी, तो आप बूट को एक्सटेंड कर सकते हैं यदि आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो। बेस्ट इन सेगमेंट ये बूट स्पेस रहने वाला है, इतना बूट स्पेस आपको दूसरी किसी गाड़ी के अंदर नज़र नहीं आएगा इस सेगमेंट की। ट्यूबलेस टायर मिल रहा है लेकिन स्पेस सेवर आपको ये स्पेयर व्हील नज़र आएगा। 14 इंच का ये टायर है। टायर प्रोफाइल जो स्पेयर व्हील की रहेगी वो रहेगी 165/60R14 का। बूट के अंदर प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ आपको इस टाइप के हैंगर नज़र आ जाएंगे एंड इवन दो यहाँ पर आप एक और
ट्रॉली बैग आराम से रख सकते हैं, स्पेस है यहाँ पर, तो इजीली आप यहाँ पर 4 ट्रॉली बैग रख सकते हैं। तो इसीलिए इसका 405 लीटर का जो बूट स्पेस है बेस्ट इन सेगमेंट है। इंटीरियर में भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लाइक आपको यहाँ पर मिल जा रहा है हिल डिसेंट कंट्रोल, 3 ड्राइव मोड मिल जाएंगे, 4 एयरबैग मिल जाएंगे, डिजिटल स्पीडोमीटर नज़र आ जाएगा। लेट्स सी, आपको कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक के अंदर नज़र आएगा ये ही पार्ट, जो आर्मरेस्ट है यहाँ पर आपको थोड़ा सॉफ्ट टच दिखेगा, बाकी आपको यहाँ पर वही आपका ये ग्रैब हैंडल, चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच डाउन दिखेगी, ORVM को फोल्ड भी यहाँ से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड ORVM है यहाँ पर, 1 लीटर की वाटर बोतल रख सकते हो आराम से, बाकी छोटा सा स्पेस और है यहाँ पर, थोड़ा बहुत कुछ रख सकते हो, स्पीकर यहाँ पर रखे जाएंगे। इसकी सीट जो है टॉप एंड वेरिएंट में भी फाइबर अपोलोस्ट्री के साथ आपको दिखेगी, एंड सीट पर आपको यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट दिखने वाली है, इसको आप मैनुअली आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, हाइट भी आप इसकी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। कैबिन के अंदर यहाँ पर डेड पेडल वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा, फ्लैट बॉटम ये टिल्टेबल पावर स्टीयरिंग व्हील नज़र आएगा, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, 4 एयरबैग मिलेंगे, 2 आपको यहाँ पर ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड एंड बाकी 2 आपको यहाँ पिलर्स में दिख जाएंगे। स्पीडोमीटर इसका कम्प्लीटली 7 इंच का डिजिटल स्पीडोमीटर दिखेगा, इससे लोअर वेरिएंट में आपको जो ये MID का जो साइज़ है ये रिड्यूस होके मिलेगा, यहाँ पर ये जो है 7 इंच का मिल रहा है RX-Z में, यहाँ पर आपको कलर डिस्प्ले में नज़र आएगी, बेस वेरिएंट में थोड़ा सा आपको कलर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, बाकी इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। यहाँ पर इसके अंदर TPMS भी मिल जा रहा है, जो आपको इस सेगमेंट में शायद नज़र नहीं आएगा, कौन सा दरवाज़ा खुला है सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इधर आपको मिल रहा है फ्यूल टैंक, कितना लीटर आपको इसके अंदर फ्यूल बचा हुआ है, टेम्परेचर भी आप पर देख सकते हैं, एंड स्टीयरिंग व्हील पर राइट हैंड साइड सारे इसके मिल जाएंगे डिजिटल स्पीडोमीटर के कंट्रोल, यहाँ से आप इसको मोड्स अलग अलग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक यहाँ से आपने अभी एवरेज आ गया, गाड़ी की एवरेज कितनी है अभी इस दबाने से, आपके TPMS सर्विस इंटरवल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्यूल गेज इधर मिलेगा, इधर आपको RPM मीटर मिल जाएगा, चेक इंजन की लाइट वगैरह सारी फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाएंगे सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, इस यहाँ से आप सोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, जैसा अभी मैंने वॉल्यूम डाउन किया तो ये सारे फंक्शन यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम के नज़र आएंगे। 8 इंच का यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है एप्पल एंड्रॉयड कार प्ले के साथ, और वायरलेस कनेक्टिविटी का भी फंक्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एज यूजुअल आपको स्टीयरिंग व्हील के पीछे राइट हैंड साइड आपको नज़र आएंगे हेडलाइट और इंडिकेटर कंट्रोल, लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ जाएंगे वाइपर के कंट्रोल, एंड कुछ ऐसा आपको इसका ओवरऑल डैशबोर्ड नज़र आएगा। वैसे ऑल ब्लैक है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जो पिलर्स है यहाँ से आपको ऊपर बेज कलर का कम्बिनेशन दिखेगा, बाकी जो डैशबोर्ड है कम्प्लीटली ऑल ब्लैक के साथ दिखेगा, बीच में आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा रेड इंसर्ट देखने को मिलेगा, डोंट माइंड थोड़ा सा ऊपर से ना ये थोड़ा गाड़ी के अंदर फ्लैश आ रहा है तो ये थोड़ा हो सकता है विजन ब्लरी आपको दिखे। सेंटर कंसोल काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, प्रैक्टिकल सेंटर कंसोल है, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर नज़र आ जाएगा, लॉक डोर अनलॉक वगैरह करने हैं तो आप एक बटन की हेल्प से सीधा यहाँ से कर सकते हैं, हैजार्ड लैंप के कंट्रोल एंड फ्रंट डिफोगर का कंट्रोल आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ से आप AC के कंट्रोल इधर नज़र आएंगे, ऑटो AC का फंक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है, AC के बटन्स के नीचे आपको नज़र आएगा इसका पुश स्टार्ट बटन और एक USB स्लॉट, इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का भी फंक्शन देखने को मिल जाएगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, 5 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और एक इसके अंदर CVT ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। CVT ट्रांसमिशन जो है आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाली में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिल रहे हैं इसके अंदर 3 मोड, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड, और रिवर्स गियर को आपको लिफ्ट करके लगाना होगा, लिफ्टिंग वाला मैकेनिज्म दिया है। सेंटर कंसोल में यहाँ पर आपको इस टाइप से स्टोरेज स्पेस दिया है, ये शटर टाइप आपको देखो ये शटर दिए हैं, शटर के नीचे काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस आपको नज़र आएगा यहाँ पर, एंड आर्म रेस्ट भी नज़र आएगी सॉफ्ट टच के साथ, रेड इंसर्ट दिया हुआ है उस पर, और यहाँ पर आपको अंडर आर्म रेस्ट काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिलेगा जो इसकी प्रैक्टिकलिटी को इन्हेंस करता है। ग्लोव बॉक्स कंपार्टमेंट 2 हिस्सों में डिवाइड नज़र आएगा, ऊपर की तरफ ये आई थिंक कोल्ड ग्लो बॉक्स बनाने की इन्होंने कोशिश की थी बट माइट फिर भूल गए, शायद हो सकता है कोर्स इफेक्टिव ना लगा हो, एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पर काफ़ी डीप ग्लो बॉक्स मिलेगा विद ऑर्गेनाइजर। कैबिन लैंप आपको हेलोजन के अंदर दिखेगा, एंड ऑटो डिमिंग IRVM का ऑप्शन नहीं है।
ड्राइवर साइड का सनसेट आपको वैनिटी मिरर के साथ दिखेगा, बाकी बेसिक सनसेट है तो ड्राइवर साइड का। एंड ग्रैब हैंडल जो है फोल्डेबल नहीं मिल रहा है। देखिए इसकी कितनी बड़ी कुछ इसकी चाबी नज़र आएगी, जिस पर दो बटन लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग एंड रिमोटली आप लैंप इसका ऑन कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी सेकेंड रो में, सेकेंड रो की प्रैक्टिकलिटी देखते हैं। सेकेंड रो यहाँ पर आपको ट्विटर नज़र आएगा। माय गॉड, मैंने गलत बताया क्या आपको? फ्रंट रो में ट्विटर नहीं है, बट यहाँ पर सेकेंड रो में तो ट्विटर है। खैर, यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक जादू जो इस सेगमेंट में कहीं नज़र नहीं आता। यहाँ पर आपको सेकंड रो बिल्कुल फ्लैट नज़र आएगी। तो मिडल पैसेंजर को जो प्रॉब्लम होती है ना अदर गाड़ी में, चाहे हैचबैक हो या आप ये बोल सकते हैं SUVs हो, उसके अंदर बीच में जो ये बम्प होता है वो मिडल पैसेंजर के लिए सच्ची में काफ़ी सरदर्द बन जाता है लॉन्ग जर्नी में, जो यहाँ पर नहीं है। तो ये वाला पार्ट काफ़ी स्मूथ है इसके अंदर और प्रैक्टिकल है, तो मतलब तीन लोग प्रैक्टिकली इसके अंदर कम्फर्टेबली लॉन्ग जर्नी में जा सकते हैं। रियर बेंच 60-40 रेशियो में स्प्लिट है एज आई सेड अर्लियर, और ये आइसोफिक्स माउंट एसेसरीज यहाँ पर आप लगा सकते हैं दो। एंड रियर बेंच के दोनों हेडरेस्ट आपको हाइट एडजस्टेबल मिलेंगे, बीच में आपको मिल जाएगी आर्म रेस्ट और वो भी टू कप होल्डर्स के साथ यहाँ पर। एंड यहाँ पर थोड़ा स्पेस भी मिल रहा है जिसके अंदर आप मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं। एसी वेंट्स सेकेंड रो में मिल जा रहे हैं, हाउएवर कंट्रोलिंग तो आपको आगे से ही करनी पड़ेगी, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल सेकेंड रो रहने वाली है। एंड हेडरूम और लेग रूम स्पेसिफिकली इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। मेरे हिसाब से 6 फीट तक के बंदे को पीछे की रो में हेडरूम वाइज कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बाकी ऊपर की तरफ छोटी छोटी कोस कटिंग आपको दिखेगी, जैसे लाइक ये फोल्डेबल ग्रैब हैंडल नहीं मिल रहा है यहाँ पर। डिज़ाइन वाइज आपको थोड़ा सा कूपी टाइप डिज़ाइन लगेगा इसका। हुड ओपनर इसका काफ़ी डीप में है। अंडर द हुड आपको ये है इसका 1 लीटर वाला पेट्रोल इंजन। इसके अंदर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 लीटर टर्बोचार्ज और 1 लीटर आपको नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन। पावर आउटपुट आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। खैर, इसको हुड को खोलने का पर्पस ये था कि आपको दिखा सके अंडर द हुड आपको इंसुलेशन वगैरह मिल रही है या नहीं मिल रही है, प्रॉपर मिल रही है, लेकिन अंडर बॉडी इंजन प्रोटेक्शन गियर आपको नज़र नहीं आएगा। आप यहां से इजीली ग्राउंड को देख सकते हैं या ऐसा कुछ आपको इसका इंजन बे नज़र आएगा। रेनो काइगर RXC से स्टार्ट होकर RXZ तक जाती है। इसके अंदर RXL, RXT और RXTO और इस हिसाब से टोटल कुल इसके अंदर 15 वेरियंट्स मिल जाते हैं। डिपेंड्स ऑन ट्रांसमिशन, डिपेंड्स ऑन इसके कलर, लाइक इसके अंदर ड्यूल टोन कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इंजन का भी ऑप्शन चेंज हो जाता है और काफ़ी हद तक पॉकेट फ्रेंडली ये कार रहेगी, जिसके अंदर कुछ कोस्ट कटिंग भी है जैसे मैंने दिखाया। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल नहीं मिल रहे और कुछ इसके अंदर बेस्ट इन क्लास फीचर्स मिल जा रहे हैं, लाइक स्पेशियस इसके अंदर बूट मिल रहा है, स्पेशियस आपको सेकेंड रो मिल रही है एंड ड्राइवर बे भी आपको काफ़ी कम्फर्टेबल और काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आएगी। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट रेनो काइगर। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए मोटर नॉलेज अड्डा को, और यदि आपको लगता है इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी या गलत दी गई है तो आप मोटर नॉलेज अड्डा के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे हमें DM कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। इसके अलावा इसकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, लेट इट बी इट्स डायमेंशन, लेट इट बी इट्स पावर फिगर और जितनी भी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो अभी विदा लेने का वक्त आ गया है, इसी के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक आप 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग और 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूले। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।